सिटी इंडिया। झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से कानूनी दांव खेला गया है। वहां पर ईडी किसी भी तरह से उन्हें रिमांड पर ना ले, इसके चलते अब कानूनी प्रक्रिया हेमंत सोरेन के तरफ से भी जारी की जा रही है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, ये पूरी सियासी चुनौतियां भी है, ये पूरी कानूनी कार्रवाई भी है, जो इसके चलते ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि झारखंड की सियासी हलचल पर जहां बयानबाजी का आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलेगा, वहीं पर हेमंत सोरेन ने रांची हाईकोर्ट से अपील की है। ये कानूनी हक उनके पास यहां पर होता है, ये कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें अधिकार है कि वो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो हेमंत सोरेन ने रांची हाईकोर्ट में यह अपील की है कि उन्हें जो अभी रिमांड पर लिया जाएगा, जो कल ईडी कोर्ट में पेश करेगी, पेश तो यहां पर होना होगा, लेकिन 15 दिन के रिमांड क्या यहां पर ईडी के हाथ लगती है? ईडी क्या वो यहां पर तथ्य पेश करेगी कि जो सवाल जवाब यहां पर घंटों की पूछताछ में हुए हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते उन्हें वक्त चाहिए ताकि जमीन घोटाले को लेकर परत दर परत जो सच्चाई है, हकीकत जो है, वो यहां पर सामने आ सके। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में अपील कर दी है। ईडी के समन्स के खिलाफ हाई कोर्ट में यह अपील की गई है। कल सुबह 10:30 बजे पर हाई कोर्ट में इस मामले के बाबत सुनवाई भी की जाएगी। अब समझिए, क्योंकि हेमंत सोरेन या फिर उनका जो वकील कुनबा होगा, जो कानूनी कुनबा है, वो जानता है कि यह मामला कोई आम मामला नहीं है, एक ऐसा मामला है जिसके चलते खुद हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी गंवा दी है। ये बड़ी मजबूरी उनके सामने यहां पर रही कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से फौरन इस्तीफा यहां पर देना पड़ा, क्योंकि ईडी ने जो आज पूछताछ की उसके बाद गिरफ्तारी यहां पर उनकी होनी तय हो गई थी। ऐसे में जो अगला कानूनी दांव चला है, जो अगला कानूनी कदम उठाया है, वो हेमंत सोरेन की तरफ से ये उठाया गया है कि झारखंड हाई कोर्ट में यहां पर अपील दायर की गई है, और दायर ये की गई है कि ईडी का जो समन्स है उसके खिलाफ है, जिस पर पूरी कानूनी प्रक्रिया, पूरी कानूनी तस्वीर जो है वो 10:30 बजे नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो हेमंत सोरेन ने रांची हाईकोर्ट से यह बड़ी अपील की है। वहीं ईडी दफ्तर के बाहर किस तरह से कल्पना सोरेन भी पहुंची, वो भी हमने आपको दिखाया, क्योंकि अब दर परत जहां पर यह पूरा मामला आगे बढ़ेगा, वहीं पर सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर यह पूरी हलचल इसी तरह से बढ़ती रहेगी। झारखंड की सियासी हलचल पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आ गया है। देखिए, तीन चीजें यहां पर चलनी लाजमी है, क्योंकि 41 का बहुमत है, लेकिन 47 का जेएमएम का दावा है कि हमारे पास बहुमत के लिए विधायक मौजूद हैं, लेकिन आखिरी अंतिम क्षण में क्या हो सकता है? क्या कोई टूटन सामने आ सकती है? क्या एक बार फिर से राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल सकता है? कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दोबारा से बता देते हैं, हेमंत सोरेन रांची हाई कोर्ट में यहां पर अपील कर रहे हैं कि ईडी का जो समन्स है उसके खिलाफ ये अपील दायर यहां पर जो है वो की जाएगी। ये कानूनी प्रक्रिया है, वो कर सकते हैं, उनके पास एक कानूनी रास्ता जो है वो बचा हुआ है, क्योंकि ये बड़ी सियासी हलचल है, लेकिन कानूनी तौर पर समझिए जो रास्ते हैं, उस एक एक रास्तों को, वो एक एक जो दाव है, वो हेमंत सोरेन और उनका जो वकील कुनबा है, जो कानूनी कुनबा है, वो जरूर अपनाना चाहेगा। दिवाकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, क्या कुछ जानकारी यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया और सियासी परिक्रमा को लेकर सामने आ रही है? देखिए, राजभवन से पिछले गेट से सीएम को ले जाया गया और सीधे अब ईडी ऑफिस ले जाया गया है, और ईडी ऑफिस के अंदर अभी सीएम जो नहीं वर्तमान सीएम कह सकते हैं, क्योंकि सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है, तो अब सीएम पद पर हेमंत सोरेन नहीं है। और हेमंत सोरेन की जो प्रक्रिया है आगे की, ईडी पूछताछ कर रही है, ये बताया जा रहा है कि आज रात ईडी ऑफिस में ही सीएम गुजारेंगे, उसके बाद जो है मेडिकल टेस्ट के साथ ही ईडी कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, और ईडी कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी चाहेगी कि उन्हें रिमांड पर लिया जाए, 7 दिनों का रिमांड या 15 दिनों का रिमांड होगा। तो अब ये कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हेमंत सोरेन की मुश्किलें यहीं से शुरू हो जाती हैं। सरकार बनाने को लेकर जो दावा पेश किया है, गठबंधन दलों के विधायकों की टीम जो पहुंची और जो नॉमिनेटेड है विधायक दल के नेता, अभी जिनको चुना गया है चंपई सोरेन ने गवर्नर के सामने दावा तो पेश कर दिया, समर्थन पत्र सौंप दिया है 43 विधायकों का, 43 का समर्थन पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा है कि 43 विधायकों का समर्थन है, लेकिन जो 4 विधायक हैं वो बैठक से गैर मौजूद रहे,
तो अब ये सवाल खड़े होते हैं कि 43 का जो आंकड़ा है, क्या गवर्नर उस आंकड़े से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि अब सब कुछ जो है राजभवन पर निर्भर है। दिवाकर, बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है, 47 का दावा यहाँ पर जेएमएम की तरफ से किया जा रहा है, चार जो गैर मौजूद रहे, अगर 43 भी माना जाए, क्योंकि 41 का बहुमत यहाँ पर है और जो कुल आंकड़ा यहाँ पर एमएलए का है, विधायकों का है, वो जाहिर सी बात है 80 तक का है। ऐसे में दावा तो यहाँ पर पेश करना होगा और उन आंकड़ों को जमीन स्तर पर सामने रखना भी होगा। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बाबूलाल मरांडी जी, यहाँ पर सीधे तौर पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा, क्योंकि झारखंड का ये पूरा राजनीतिक जो परिदृश्य है वो बदल गया है। देखिए, कोई भी चोर अपने आप को चोर नहीं कहता है, वो हर हमेशा कहता है कि हमको फंसाया गया है, हमको जबरदस्ती, हमको इस केस में फंसाया जा रहा है, हम उनके साथ नहीं रहे इसलिए फंसाया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता तो पूरी दुनिया जानती है, जब से हेमंत सोरेन राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं तब से इस राज्य में लूट ही तो हो रहा है। कोयला की लूट हो रही है, बालों की लूट हो रही है, जमीन की लूट हो रही है, पत्थर की लूट हो रही है। पिछले दिनों कई एक ठिकानों पर छापा मारा गया तो कितनी पैसे पकड़े गए, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। दो दो आईएएस ऑफिसर पहले से यहाँ जेल में बंद है, कई एक इंजीनियर जेल में यहाँ बंद है, कई एक लोगों के लिए तो ईडी वालों ने लीक करके दिया कि इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करी, हेमंत सोरेन ने अपने अलमीरा में उसको रख दिया है। इसके बाद क्या कहेंगे वो, अपने मुंह छुपाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी, क्योंकि ईडी अब अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर रही है, बहुत सीधा सा सवाल है, जेएमएम कह रही है हम सरकार बना लेंगे, 47 का हमारे पास दावा है, वो दावा सामने आएगा, हकीकत में उतरेगा, लेकिन इस बीच बीजेपी की रणनीति आपसे जरूर जानना चाहेंगे, दिग्गज नेता हैं आप, बेबाकी के साथ बोलते हैं, साफ साफ शब्दों में चाहेंगे, क्या बीजेपी अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद करेगी यहाँ? नहीं, मैं कोई हड़बड़ी में नहीं है, हम लोग सब कुछ वेच एंड वाट कर रहे, देख रहे हैं राजनीतिक हालात और परिस्थिति की। हम लोग कोई सत्ता के लिए भूखे नहीं है, इसलिए कोई आप देखे होंगे कि ना कोई हमारे लीडर कहीं दिल्ली से कोई हड़बड़ में है, ना हम लोग है। हम लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने लूटा है देश को, जिन लोगों ने लूटा है प्रदेश को, आज वैसे लुटेरों को हम लोग कोशिश करें कि इन लोगों को अंदर भेजो, नहीं तो ये लोग राज्य को बर्बाद कर देंगे, ये लोग देश को बर्बाद कर लेंगे। डेमोक्रेसी तो ये लोगों ने परिवार में भी कैद करके लोगों ने रख दिया है। जो परिवार के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, पैसे के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, वो लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे लोग, ये लोग लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे, तो इसलिए उनका जहां जगह है वहां लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके। बाबूलाल जी, तभी तो ये सवाल अब इस बीच खड़े हो गए, इस्तीफा देते ही जैसे ही जेएमएम की तरफ से दावा 47 का आया, तो क्या फिर से बीजेपी चाहेगी? क्योंकि आपने तो 11,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था जब फरार हो गए थे, या कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कहीं छुप गए हैं या गायब हो गए हैं, 1.5 दिन बाद वापसी यहां पर हुई, तो क्या बीजेपी जो है, जो अभी आप कह रहे हैं कि अभी देख रही है परिस्थितियों को, बेहद गौर से देख रही है, हड़बड़ी नहीं है, परिस्थितियां आपके पक्ष में हुई तो बीजेपी सोचेगी क्या यहाँ पर कुछ? नहीं, मैंने कहा कि भाई हम तो देख रहे हैं ना, राजनीतिक परिस्थिति को अपना देखते हैं, तो राजनीति करते हैं तो परिस्थिति को तो देखेंगे ही, उसको ऐसा थोड़ो है कि एकदम आंख मूंद करके चलेंगे, तो ये सब चीजों तो देखेंगे। बाकी अब उनके पास है किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्या करते नहीं करते हैं, वो आगे देखेंगे क्या होता है इसमें। बाबूलाल जी, चंपई सोरेन को यहाँ पर चुन लिया गया है, अब आपको लगता है कि अगर बीजेपी ने थोड़ी जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि अगर फिर से वही पार्टी दोबारा से सत्ता में आती है और जो आप कह रहे हैं फिर से वही घोटाला या वही भ्रष्टाचार सामने आता है, फिर बात तो वहीं पर रह जाएगी, क्या कोई खास बीजेपी की रणनीति यहाँ पर? देखिए, फिर घोटाला करेंगे तो वो भी जाएंगे जेल, उसमें क्या दिक्कत है? कोई गड़बड़ करेंगे तो उसको कैसे छोड़ा जाएगा, उसको भी भेजा जाएगा, उसको भी पकड़ा जाएगा। इसलिए आप तो जितना भी जो लोग गड़बड़ किए हैं, मोदी जी कहते हैं ना देश के प्रधानमंत्री, ना खाएंगे ना खाने देंगे। जिन्होंने लूटा है उस लुटेरों से वापस निकालेंगे पैसे को। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल मरांडी जी हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के नेता जो सीधे और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी किसी हड़बड़ी में नहीं है, वो देख रही है क्या राजनीतिक हलचल है, क्या कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है, क्योंकि सरकार बनाना मकसद नहीं है बल्कि कोई सत्ता में दोबारा से भ्रष्टाचार ना करे, घोटाला ना करे, उस पर नजर रखनी जरूरी है। और अगर कोई नजर रखेगा तो फिलहाल अभी बीजेपी रख रही है, और अगर कोई दोबारा घोटाला करेगा तो वो उसी तरह से जेल की सलाखों के पीछे यहां पर जाएगा।